रूस हमले कर रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना भी लगातार उनको काउंटर अटैक्स कर रही है। और अभी हम आपको बता रहे थे कि सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज रूस के सामने ना सिर्फ की पर कब्जा, नेगोशिएशन पॉलिसी में यूक्रेन को पूरी तरीके से अपने हाथ में रखना, और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिन जिन इलाकों के अंदर रूसी सेना बैठी हुई है उन इलाकों को और ज्यादा मजबूत करना। ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं लगातार जिनको अडॉप्ट किया जा रहा है रूस की तरफ से। एक दो तीन चार पांच, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन रॉकेट बरसने बंद नहीं होंगे। ऐसा लग रहा है मानो रॉकेट की वर्षा हो रही है। जरा गौर से देखिए, देखिए किस तरह से रॉकेट दनादन निकल रही है और टारगेट को तबाह कर रही है। ये रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क की तस्वीरें हैं, जहां की रिपब्लिकन मिलिशिया आर्मी यूक्रेन से बगावत कर बम वर्षा कर रही है। रिपब्लिकन मिलिशिया आर्मी ने ग्रेट MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया और यूक्रेन की फौज को निशाना बनाया। रूस की तरफ से बरसाई जा रही तबाही को यूक्रेन की तरफ से ये मुंहतोड़ जवाब है। यूक्रेन की सेना के पलटवार को देखिए, यूक्रेन की बौखलाई फौज ने देखिए किस तरह से ग्रेड MLRS का मुंह खोल दिया है। ग्रेड का मुंह खुला और फिर गरजते हुए एक के बाद एक इतने रॉकेट बरसे कि पुतिन की सेना ही कांप गई। चंद सेकंड में ही बेहिसाब रॉकेट निकले और सीधे रूस के सैन्य अड्डों को अपनी आगोश में ले लिया। यूक्रेन के ग्रेड अटैक में रूस की सेना को भारी तबाही झेलनी पड़ी। उसके टैंक, मिलिट्री वैन और भारी तादाद में हथियार भी बर्बाद हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको बता दें, युद्ध के 25वें दिन भी रूसी फौज का यूक्रेन पर कहर लगातार जारी है और लगातार रूस यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है। राजधानी कीव से लेकर के खारकीव और लवीव तक पुतिन की सेना लगातार बम वर्षा कर रही है, रॉकेट छोड़ रही है, मिसाइलें दाग रही हैं। रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन को तबाह करने के मकसद से रूस ने अपने सारे हथियार खोल दिए हैं। हर तरह की मिसाइलें दागी जा रही और बर्बादी की दास्तां लिखी जा रही। ये तस्वीरें रूस की बैलिस्टिक मिसाइल की हैं, जिसने यूक्रेन के कोने कोने में तबाही पसार दी है। रूस की बैलिस्टिक मिसाइल की चपेट में आने से कई इमारतें तबाह हो गई हैं और लोगों की जान भी गई है।